आज पटियाला शहर में यूथ कांग्रेस की तरफ से पेट्रोल और डीजल के साथ रसोई गैस सिलेंडर के आए दिन बढ़ रहे मूल्यों को लेकर मोटरसाइकिल घसीटते हुए रोष प्रदर्शन किया गया और यह रोष प्रदर्शन किला चौक से आरंभ होकर अनारदाना चौक तक समाप्त हुआ और यह रोष प्रदर्शन अनुज खोसला यूथ कांग्रेसी आगू की अगुवाई में किया गया और यहां पर बड़ी गिनती में नौजवानों ने इस प्रदर्शन में भाग लिया और गैस सिलेंडर कंधे पर रखकर अंगीठी और चूल्हे के साथ लेकर प्रदर्शन किया गया। हाँ जी भाई दस तो प्लेन प्लेन हाँ जी भाई दस तो चलो बोलो भाई दस दो अद्दा किता जा रहा है जुगा मन वाइट करनी नहीं करनी वाइट कर हाँ जी की नाम है भाजी हाँ जी की नाम है अनुज खोसला प्रधान यूथ कांग्रेस पटियाला शहरी अज जो प्रदर्शन किया जा रहा है बारे दस अज का जोड़ा प्रदर्शन है वो केंद्र की गूंगी बोली अन्नी बैरी सरकार के खिलाफ किया जा रहा क्योंकि एक पासे का पूरे देश ने पूरे अपने पूरे समाज ने पिछले साल तो जोड़ा करोना का जोड़ा दस चलिया पर दूजे पासे केंद्र की सरकार ने पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में इन्नी बेतहाशा जी है बढ़ोतरी करती कि ये आम बंदे की तो पहुँच तो बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। पेट्रोल डीजल एक ऐसी चीज़ है जिसे हरेक चीज़ हरेक चीज़ की महंगाई होनी है तो जिते अजक लोग पहले ही अपने व्यापार सर्वाइव करने लिए मुश्किल महसूस कर रहे हैं लोगों का घर बार चलाना औखा है उस समय के दे देश विरोधी सरकार जी आपी दसती है जी ये कह के आई थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं तो मेरे ख्याल अगर ये अच्छे दिन है तो मैं लगता इस तो माड़े दिन कोई नहीं हो सकते इन्हों के जोड़े भगत है अन्ने भगत जिन्होंने मैं कहंगा वो कहें मोदी है तो मुमकिन है बिल्कुल मुमकिन है वाकई मुमकिन है क्योंकि मोदी के होंदे ही 100 रुपये तेल हो सकता होर किसी सरकार के होंदे 100 रुपये तेल नहीं हो सकता। अनुज जी देखा जाए सेंटर के नाल नाल स्टेट सरकार का भी कितने ना कितने कुछ बनता है क्योंकि वो भी घट कर सकती है अपने टैक्सेस घटा सकती है। मैं तुम्हें इस चीज़ का जवाब दिना बिल्कुल ठीक तुम जो सवाल पूछा स्टेट गवर्नमेंट जी है वो जोड़ा एक्साइज टैक्स लगा रही है वो पर लीटर 19 रुपये के करीब लगा रही है पेट्रोल के ठीक है जी। पंजाब एक बहुत छोटी स्टेट है एग्रीकल्चर स्टेट है जिसे को ना इंडस्ट्री है ना सेंटर वालों कोई सबसिडी है तो स्टेट ने जोड़ा है अपना ताना बाणा इसी टैक्स तो चलाना होंगे। दूजे पास जो मैं गल करा केंद्र सरकार की जिदे को 28 राज है उन्हों को 35 रुपये जो 35 रुपये 38 पैसे जी है जी पेट्रोल से एक्साइज ड्यूटी है वो कट्टी होंगी है पूरे देश चो पर लीटर चो और जो आप गल करिए कि पेट्रोल के कच्चे तेल का भाव कि तो 32 रुपये 78 पैसे भाव है तो तुम कभी सुने कि जिन्ना वह मूल प्राइस है मूल प्राइस तो उपर टैक्स लाया पाया ये वो सरकार है। मैं थोड़ा तो दसना चाहवागा थोड़े व्यूअर्स दसना चाहवा ये वो सरकार है कि पिछले 6 सालों के जिसने 2.5 दर्जन वार तो ज़्यादा 2.5 दर्जन वार तो ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल से वधाई है। एक पासे तो साढ़े प्रधानमंत्री कहें भी असी जी अपनी उज्ज्वला योजना तहत असी घर घर सिलेंडर देंगे साड़ी कोई भी माता भैन जी है वह अंगीठी से नहीं बैठेगी पर दूजे पासे तो इन्ह का यह हाल देख के ए लगता भी जिन्हें अडानी के गाहक पक्के कर रहे थे अडानी ने इन्होंने गाहक पक्के किए हैं होर कुछ नहीं। तुम देखो जो साढ़े मनमोहन सिंह जी की सरकार से 414 रुपये तो इन्होंने आके लोगों को बेवकूफ़ बनाया जुमला सरकार ने कि तुम असी तो अकाउंट सीधी सबसिडी पावे अज सबसिडी के नाम से लोगों के अकाउंट किन्ने पैसे आने 7 रुपये तो तुम देखो ये सरकार जी है ये किस किस्म का मजाक कर रही है। कहते गद्दाफी ताना शाह है परवेज मुशर्रफ ताना शाह है वो मैं अजो कित सारा जो अपना है मैं उन्होंने देशों का भी नाल पेट्रोल का प्राइस लैके आया गल्फ कंट्रीज नहीं है अपने नाल आले दुआले जी छोटी छोटी कंट्रीज है
पर वो कंट्रीज के बीच तुसी दे आके देखो गरीब कंट्रीज के बीच जो पेट्रोल है 56 रुपए 57 रुपए 58 रुपए 65 रुपए आ साडे मुल्क का हाल देख लो कि किस तरीके नाल मोदी मैनू तो ऐ लगता पता नहीं कि आर एस एस की विचारधारा ये लागू करके बैठा क्यों लोगों की पिट्ठे से छूरा मारन का काम कर रहा सिर्फ अपने 5-7 पूंजीपति दोस्तों खुश कर अज का जो प्रदर्शन है इतने लोगों को जागरूक किया जाएगा या मेमोरेंडम वगैरह भी कुछ दिता जाएगा देखो असी ये कोई मेमोरेंडम नहीं असी लोगों के लोगों की आवाज़ चुकन लिए आए हैं लोगों की समस्या में लैके आए अज अभी पूरे बाजारों के किला चौंक अदालत बाजार अनारदाने चौंक आप जिस टाइम खड़े हैं तो असी सिर्फ लोगों को यह सुनेहा दिता है कि किस तरीके ऊंगी बोली सरकार एक पास का साढ़े देश के अन्नदाता साढ़े पंजाब के किसान धक्का कर रही है जिस नाल साडी देश की साडे स्टेट की इकोनमी नूं खत्म करना चाहती है दूजे पासे साडे घर की रसोई ते साडे घर के जिहड़े होर खर्चे उन्हां ते अटैक करके सानूं बिल्कुल ही मार मुकाना चाहती है जिहड़ी मोदी सरकार।